नमस्कार दोस्तों, हमारे टिकर को इतना अच्छा रिस्पांस देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ लोगों को ये डाउट था कि क्या इसकी मोबाइल ऐप भी है, क्योंकि प्ले स्टोर में दिख नहीं रही। तो नहीं, अभी ऐप नहीं है। आप लोगों की डिमांड पे हमने इसको कंसिडर किया है और कुछ महीनों में ऐप आ जाएगी, लेकिन अभी के लिए आप सारा जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ उसे खुद कर सकते हैं ticker.phenology.in पर जाके, या फिर गूगल में लिख सकते हैं फिनोलॉजी टिकर। और कुछ लोगों ने मुझसे कहा था कि कभी कभी कंपनी के पेजेस खुलने में डिले भी हो रहा है। तो जी हाँ, ये प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई कर ली है और कुछ ही दिनों में ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तब तक हो सकता है कभी कभी ये थोड़ा स्लो चले। और हमारा मिशन है कि टिकर बाय फिनोलॉजी को दुनिया का सबसे अच्छा स्टॉक मार्केट रिसर्च टूल बनाना। इसके अलावा एक क्वेरी और थी कि वीडियोज़ जो मैं डेली डाल रहा हूँ उसका नोटिफिकेशन नहीं आ रहा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप ना सिर्फ सब्सक्राइब करें, बल्कि यहाँ जो बेल आइकन आता है उस बेल आइकन को भी दबाएं। सब्सक्राइब करने के बाद आपको वो आइकन दिखेगा, और बेल आइकन दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक करें, जिससे जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसके अलावा मैंने यहाँ प्लेलिस्ट भी बना दी है। इस प्लेलिस्ट में पहले से लेके आखिरी तक जितने भी वीडियोस मैं सीरीज़ में डालूंगा वो उसमें ऐड होते जाएंगे, और इस प्लेलिस्ट को क्लिक करके आप सारे वीडियोस लाइन बाय लाइन देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट क्लासेस विद प्रांजल के फोर्थ लेसन में आपका स्वागत है। आज हम कुछ यूनिक चीज़ें डिस्कस करेंगे, और इससे बहुत कुछ जो आप पहले से अज्यूम करते थे वो अजम्पशंस भी आपके गलत साबित होंगे। हो सकता है आपको काफ़ी हैरानी भी हो आज के लेसन में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नेट मार्जिन या पैट मार्जिन की। पैट माने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, या इसे आप नेट मार्जिन भी समझ सकते हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे आरओई के बारे में, रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में। साथ ही हम डिस्कस करेंगे आज डेट या लोन और डेट इक्विटी रेशियो के बारे में। तो ये तीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं पैट या नेट मार्जिन से। तो अब ये पैट मार्जिन क्या होता है, इसको बिल्कुल आसान एग्जाम्पल से समझते हैं। एक मान लीजिए पेंसिल आपने बेची 15 रुपये में, जिसको आपने खरीदा था 10 रुपये पे। तो यानी 15 रुपये का सामान आपने बेचा और उसमें 5 रुपये कमाए, यानी 1/3 आपका प्रॉफिट मार्जिन था, 33% आपका प्रॉफिट मार्जिन था। और अगर आपने पेंसिल बेची 20, जिस पेंसिल को आपने 10 में खरीदा था, तो यहाँ पे आपका मार्जिन हो गया 50% का। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस और साथ में उसके जो भी एक्सपेंसेस आपके बेचने के आए वो सब माइनस करने के बाद जो मुनाफा बचा वो होता है पैट मार्जिन या नेट मार्जिन परसेंटेज के टर्म्स में। और यहाँ एक और डिफरेंस समझना ज़रूरी है कि मार्कअप और मार्जिन में क्या डिफरेंस है। जैसे अगर मैंने कोई पेंसिल 10 रुपये में खरीदी और उसे 15 रुपये में बेचा, तो मेरा मार्कअप परसेंटेज हो गया 50%, कि मैं 10 की चीज़ को 50% उसका दाम बढ़ा रहा हूँ, 10 की चीज़ को 15 कर दे रहा हूँ और फिर बेच रहा हूँ। लेकिन प्रॉफिट मार्जिन हमेशा सेलिंग प्राइस पे निकलता है, प्रॉफिट मार्जिन कभी भी कॉस्ट प्राइस पे नहीं निकलता। तो प्रॉफिट मार्जिन आपको सेलिंग प्राइस लेना है जो 15 रुपये है, उसमें से देखना है कि इसका कितना परसेंट मेरे एक्सपेंसेस थे। तो 15 रुपये पे 10 रुपये मेरे एक्सपेंसेस थे, यानी 66.7% मेरे एक्सपेंसेस थे, और इसीलिए 33.3% मेरा प्रॉफिट मार्जिन हुआ। तो हमेशा प्रॉफिट मार्जिन सेलिंग प्राइस से निकलता है, हमेशा जो मार्कअप है वो कॉस्ट प्राइस पे निकलता है, कि कॉस्ट प्राइस पे आपने कोई चीज़ खरीदी फिर उसको कितना मार्क अप किया, यानी उसका कितना दाम बढ़ाया, वो है मार्कअप। ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, फिनेंस में ज़्यादातर यूज होता है प्रॉफिट मार्जिन, जो सेलिंग प्राइस से निकलता है। अब आपने मार्जिन्स तो समझ लिए, अब बात करते हैं आरओई क्या होता है। देखिए, कोई भी बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको पैसे चाहिए। ज़्यादातर बिजनेसेस ऐसे हैं कि बिना पैसों के शुरू नहीं हो सकते। अब पैसे कहाँ से आएंगे, या तो इक्विटी, यानी कि आप अपना खुद पैसा लगा रहे हैं, या दोस्तों से पैसा लगा के डाल रहे हैं और उनको उस बिजनेस में शेयर दे रहे हैं। तो जब भी आप खुद पैसा लगा रहे हैं या लोगों से दोस्तों से पैसा लेके लगा रहे हैं और बदले में स्टेक दे रहे हैं, तो वो हुआ इक्विटी। डेट क्या हुआ, जब भी आप लोन ले रहे हैं लोगों को, आप ये बोल रहे हैं कि मुझे पैसा दे दो, साल दो साल में मैं इस ब्याज के साथ आपको लौटा दूंगा, तो वो हुआ डेट, या बैंक से ले रहे हैं तो वो हुआ डेट। अब मैं बताता हूँ कि रिटर्न ऑन इक्विटी, जो शायद फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के सबसे इंपॉर्टेंट रेशोज में से एक है, वो क्या होता है। मान लीजिए आपने 100 रुपये इकट्ठे किए लोगों से, 20 रुपये आपने खुद के लगाए, 20 रुपये दोस्तों से लिए, 60 रुपये कहीं और परिवार से, फादर से, कहीं से भी लिए, और 100 रुपये आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किए और 100 रुपये के शेयर्स आपने लोगों को बांट दिए। यहाँ आपने लोन नहीं लिया,
या तो खुद का पैसा लगाया और खुद को शेयर्स दिए, या दूसरों का पैसा लगाया और उनको शेयर्स दिए। तो 100 रुपये आपने टोटल निवेश किया और साल भर बिजनेस करने के बाद आपको पता चला कि आपके पास 20 रुपये मुनाफे के रूप में बच गए। यानी आपने बिजनेस में लगाए थे 100 रुपये और साल भर के बाद आपके पास हो गए 120 रुपये। जो पैसा आपने लगाया उस पर आपने साल भर के बाद 20 रुपये कमाया। ये है रिटर्न ऑन इक्विटी। अब इसे हमें नेट मार्जिन और रिटर्न ऑन इक्विटी का फर्क समझना बहुत ज़रूरी है। नेट मार्जिन ये बताता है कि जब आप कोई सामान बेच रहे हैं तो उसको आपने खरीदा कितने पे था, उसको बेचने में खर्चे कितना आया, और उसके बाद आपने उस सामान को कितने मुनाफे में बेचा। साल भर आप जितनी बार सामान बेचेंगे, जो कुछ करेंगे, वो सब करने के बाद आपने साल की शुरुआत में उस बिजनेस में कितना पैसा लगाया था और साल भर के बाद उस पैसे पे आपने कितना पैसा बनाया, ये ROE बताता है। थोड़ा हो सकता है कंफ्यूजिंग लगे, चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक आदमी था राम, उसके पास 100 रुपये थे और उसने आज बिजनेस शुरू करने की सोची। तो उसने 10-10 रुपये की 10 पेंसिल्स खरीदी उस 100 रुपये से, और दिन की शुरुआत में वो एक बाजार में चला गया और पेंसिल बेचने की कोशिश करने लगा। दिन के अंत तक उसने 100 पेंसिल्स को बेच दिया। एक पेंसिल जो उसने 10 रुपये में खरीदी थी वो उसने 20 रुपये में बेची। यानी उसका मार्जिन कितना हुआ, 20 रुपये में उसने चीज़ बेची, उसका सेलिंग प्राइस था 20 और कॉस्ट प्राइस था 10, यानी 50% का मार्जिन था। तो 50% के मार्जिन में राम ने पेंसिल्स बेची और 100 रुपये की उसने पेंसिल्स खरीदी थी। दिन के अंत में उसने, क्योंकि एक पेंसिल दुगने दाम पे बेची, तो 100 रुपये उसके हो गए 200 रुपये। तो उसका रिटर्न ऑन इक्विटी कितना आया, 100%। प्रॉफिट मार्जिन था 50%, रिटर्न ऑन इक्विटी आया 100%। अब एक दूसरा आदमी था श्याम, उसके पास भी 100 रुपये थे, उसने भी 10 पेंसिल्स खरीदी, लेकिन उसने एक पेंसिल को बेचा 15 रुपये में। तो अब उसका मार्जिन कितना आया, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस का परसेंटेज, यानी 33%। उसने 15 रुपये में बेची जो चीज़ उसने 10 रुपये में खरीदी थी, तो उसका प्रॉफिट मार्जिन राम से कम है। राम का 50% प्रॉफिट मार्जिन था, श्याम का 33% प्रॉफिट मार्जिन है। तो अब बताइए आपको किसका बिजनेस बेटर लग रहा है, जिसका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा शायद उसका बिजनेस बेटर। यहाँ पे एक सेकेंड एस्पेक्ट आता है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि श्याम सस्ती पेंसिल्स बेच रहा था, 15 रुपये में बेच रहा था, और राम 20 रुपये में बेच रहा था, और क्वालिटी दोनों की पेंसिल्स की सेम थी, इसीलिए श्याम ने ज़्यादा पेंसिल्स बेच दी। जहाँ राम दिन भर में 10 पेंसिल्स बेच पाया, श्याम ने 30 पेंसिल्स बेची। अब आप पूछेंगे कैसे, तो देखिए उसने 100 रुपये की पेंसिल्स खरीदी, 2 घंटे में ही उसकी 10 पेंसिल बिक गई, तो अब उसके पास 150 रुपये आ गए, क्योंकि वो 15 रुपये की एक पेंसिल बेच रहा था। वो 150 रुपये से उसने 15 पेंसिल्स और खरीद दी, फिर वो 2 घंटे में बेच दी। इस तरीके से उसने दिन भर में मान लीजिए कि 30 पेंसिल्स बेची, यानी अब वो 15 रुपये की एक पेंसिल बेच रहा था और 10 रुपये में खरीद रहा था, तो एक पेंसिल पे वो कमा रहा था 5 रुपये, और उसने कितनी पेंसिल्स बेच दी, 30, यानी उसने टोटल कमा लिए 150 रुपये। 30 पेंसिल बेची और 5 रुपये एक पे कमा रहा था, 150 रुपये उसने कमा लिए। तो दिन के अंत में राम के पास है 100 रुपये, श्याम के पास है 250 रुपये। दोनों ने दिन की शुरुआत की थी 100 रुपयों से। तो जहां राम का रिटर्न ऑन इक्विटी हुआ 100%, वहीं श्याम का रिटर्न ऑन इक्विटी हो गया 150%। दोनों ने सेम पैसे लिए थे, लेकिन श्याम ने उस पैसे पे ज़्यादा पैसे कमा लिए। तो ये फ़र्क है मार्जिन्स और ROE पे। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनका मार्जिन बहुत कम होता है, जैसे इनफैक्ट वॉलमार्ट, जो दुनिया के सबसे बड़े फिजिकल स्टोर चेन है, वो मार्जिन 1% के आसपास रखती है कई प्रोडक्ट कैटेगरीज में, लेकिन इतनी बार वो प्रोडक्ट को रोल कर करके वो 1% कमा लेती है कि उसका रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा हो जाता है। और इसीलिए मैंने आपको एक एग्जांपल यहाँ पे दिया है, ये है आयशर मोटर्स का। इनका पैट मार्जिन है 20% और रिटर्न ऑन इक्विटी है 24%। आयशर मोटर्स बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छे फंडामेंटल्स भी है, मार्जिन भी बहुत अच्छा है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी बहुत है। अब देखते हैं पेज इंडस्ट्रीज, जो जॉकी के नाम से गारमेंट्स बनाती है, उनका क्या हाल है। इनका प्रॉफिट मार्जिन है 13%, यानी पर प्रोडक्ट पेज इंडस्ट्रीज कम कमाती है, लेकिन उस चक्कर में क्योंकि ये मार्जिन कम रखती है तो ज़्यादा प्रोडक्ट्स बिकते हैं, और ROE कितने पैसे पे पैसा बना ये इसका आयशर मोटर्स से दुगना है। मार्जिन भले ही बहुत कम हो, लेकिन पैसे पे कितना पैसा बना ये बहुत बेटर है पेज इंडस्ट्रीज का। तो मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ जो मार्जिन्स को लेके ऑब्सेस्ड रहते हैं, उनके हिसाब से सबसे ज़रूरी यही है,
लेकिन आप एक सिंपल चीज़ ध्यान रखिए कि किसी भी बिजनेस का पर्पज़ है चीज़ को महंगे से महंगे में बेचना, ये पर्पज़ नहीं है। किसी भी बिजनेस का पर्पज़ है कि थोड़ा पैसा लगा के ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनाना। अब उसको करने के दो मेन तरीके हैं, या तो आप ज़्यादा सामान बेच लो या आप ज़्यादा महंगे में बेच लो। लेकिन ज़्यादा महंगे में बेचने से हमेशा बेटर ऑप्शन रहता है कि ज़्यादा सामान बेच लो, भले ही सस्ता बेच लो, ताकि कस्टमर ज़्यादा खरीदें और बार बार खरीदें। तो अगर कोई कंपनी सस्ता माल बेचेगी लेकिन ज़्यादा बेचेगी तो उसका मार्जिन हो सकता है कम दिखे, लेकिन ROE बहुत अच्छा दिखेगा। और ये कुछ सबसे ज़रूरी फिगर्स में से है जब भी आप किसी कंपनी को एनालाइज कर रहे हैं। अब इसी से जुड़ता है डेट का सवाल कि कर्ज़ा कितना है, क्योंकि ROE को डेट लेके कर्जा लेके भी बढ़ाया जा सकता है। चलिए समझते हैं कैसे। इस एग्जाम्पल को लेते हैं। पहले केस में कंपनी को 100 रुपयों की ज़रूरत थी और उसने पूरे 100 रुपये शेयर्स इशू करके इकट्ठे किए। उसने कर्जा कुछ भी नहीं लिया, प्रॉफिट आया 20 रुपये, यानी 100 रुपये पे उसने 20 रुपये कमा लिए। तो अब ROE हो गया 20% का। अब सेकेंड केस देखते हैं। यहाँ भी कंपनी को 100 रुपये की ज़रूरत थी लेकिन 50 रुपये के उसने शेयर्स इशू किए और 50 रुपये का उसने कर्ज़ा ले लिया, और वो कर्ज़ा उसने लिया 12% इंटरेस्ट के हिसाब से। यानी उस 50 रुपये पे जो उसने कर्ज़ा लिया उस पर उसको अब 6 रुपये इंटरेस्ट देना था, जो कि 12% होता है। तो वो देने के बाद प्रॉफिट बचा 14 रुपये। पहले केस में क्योंकि इंटरेस्ट नहीं देना था तो प्रॉफिट बचा 20 रुपये, लेकिन दूसरे केस में क्योंकि इंटरेस्ट देना पड़ा तो प्रॉफिट हो गया 14 रुपये। तो यहाँ पर अब लग रहा है कि ये केस बेटर है। यहाँ पे 20 रुपये का प्रॉफिट मिला, यहाँ पे 14 रुपये का प्रॉफिट मिला। लेकिन अब हमको ये भी ध्यान देना है कि इस केस पे 100 रुपये के शेयर्स इशू हुए थे, तो 100 रुपये के शेयर्स जो इशू हुए तो उन 100 रुपयों के पीछे कंपनी ने 20 रुपये कमाए। लेकिन इस केस में कंपनी ने केवल 50 रुपये के शेयर्स इशू किए, बाकी 50 जो कर्जे से उठाया उसको तो 6 रुपये इंटरेस्ट दे दिया और वो चला गया। तो जो बाकी 50 रुपये शेयर्स के थ्रू पैसा आया, उस 50 रुपये के पीछे कंपनी को 14 रुपये की कमाई हुई। यहाँ 100 रुपये के पीछे 20 रुपये की कमाई हुई और यहाँ 50 रुपये के पीछे 14 रुपये की कमाई हुई, यानी ROE बढ़ गया 28%। तो इस एग्जाम्पल से हम समझ रहे हैं कि कैसे कर्जा लेके ROE को बढ़ाया जा सकता है, जो बहुत सारी कंपनियां करती भी हैं। इनफैक्ट इसीलिए आप लोगों में से जिन लोगों ने कॉमर्स में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है उनको बोला जाता है कि आइडियल डेट इक्विटी रेशियो 2:1 होता है। यानी अगर 50 रुपये आपने शेयर्स के थ्रू उठाए हैं तो 100 रुपये का आप कर्जा ले लीजिए, इक्विटी से दुगना कर्जा ले लीजिए, जिससे शेयर होल्डर्स का ये रिटर्न बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ मैं आपको कहना चाहता हूँ कि नहीं, एज एन इन्वेस्टर आइडियल डेट इक्विटी रेशियो होता है 0। कंपनी में डेट होना ही नहीं चाहिए। इसलिए आप जब अच्छी कंपनियां देखेंगे तो उनमें लगभग इक्विटी के मुकाबले कुछ भी डेट नहीं होता। यहाँ पे 0.02% डेट इक्विटी रेशियो है, पेज इंडस्ट्रीज में 0.01 डेट इक्विटी रेशियो है। तो लगभग 0 डेट ये कंपनियां चल रही हैं, और ये दोनों कंपनियों ने बहुत अच्छा किया हुआ है, बहुत वेल्थ क्रिएट किया हुआ है, और वो भी 0 डेट रह के। क्योंकि आपको ये भी देखना है कि जब कमाई अच्छी नहीं हो रही होती, यहाँ पे तो दोनों केसेस में अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन मान लीजिए इंडस्ट्री में स्लो डाउन आ गया या किसी भी कारण से माल नहीं बिका, तो क्योंकि प्रॉफिट नहीं हुआ तो शेयर होल्डर्स को कुछ नहीं मिलेगा और वो चलता है। लेकिन अगर आप कर्जा ले रहे हैं तो ये 6 रुपये जो इंटरेस्ट है ये तो पटाना ही पटाना है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। इक्विटी होल्डर्स को, शेयर होल्डर्स को तो डिविडेंड या प्रॉफिट तभी मिलेगा अगर प्रॉफिट होगा, लेकिन डेट का नुकसान ये है कि प्रॉफिट हो या ना हो इंटरेस्ट तो पटाना ही है। और ऐसे में अगर कंपनी 2-3 साल लॉस में रहे और इंटरेस्ट पटाने के पैसे ही ना बचे तो कंपनियां डूब जाती है। तो बहुत सारी अच्छी कंपनियां इसलिए बर्बाद हो गई क्योंकि उन्होंने कर्जा बहुत ज़्यादा ले लिया था। तो ज़्यादातर कंपनीज में आपको ये देखना है कि डेट इक्विटी रेशियो कम से कम हो, 0 हो तो बहुत अच्छा है। अगेन ये चीज़ बैंक्स में बिल्कुल अप्लाई नहीं होगी, कोई भी बैंक में आप कभी भी डेट इक्विटी रेशियो नहीं देखेंगे। और यही फिनोलॉजी टिकर की खासियत भी है कि हमने हर कंपनी के अकॉर्डिंग वही डेटा कंपनी एसेंशियल्स में दिखाया है जो डेटा ज़रूरी है। जैसे बैंक्स में आपको डेट इक्विटी रेशियो को नहीं देखना है, तो यहाँ से हमने डेट इक्विटी रेशियो को हटा दिया, कासा ला दिया, कॉस्ट टू इनकम ला दिया, नेट इंटरेस्ट इनकम ला दिया, जो आपको पिछली कंपनीज में या यहाँ पे नहीं दिख रही हैं, और बैंक्स में आपको अलग फिगर्स दिख रही हैं क्योंकि ये बैंक्स में इंपॉर्टेंट है। डेट क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है?
क्योंकि बैंक का तो बिजनेस ही है लोगों से पैसा लेना, करेंट अकाउंट के रूप में, एफडी के रूप में, सेविंग्स के रूप में। तो बेसिकली लोगों से पैसा उधार लेना और उसको आगे उधार पे दे देना। तो इसमें हम डेट इक्विटी रेशियो नहीं देखेंगे क्योंकि बैंक्स का तो वही काम है। तो कभी भी डेट इक्विटी रेशियो किसी भी लेंडिंग, फिनेंस कंपनी, एनबीएफसी, बैंक्स में हमको नहीं देखना है। उसके लिए बहुत सारे अलग रेशियोज हैं जिनको डेफिनेटली जब हम आगे की वीडियोस में इंडस्ट्री बाय इंडस्ट्री एनालिसिस सीखेंगे तब मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन आज के लिए आप इतना जान लीजिए कि डेट इक्विटी रेशियो जितना कम हो या डेट फ्री हो उतना अच्छा है। तो आज हमने कुछ जरूरी चीजें देखी कि प्रॉफिट मार्जिन से ज्यादा जरूरी है कि आप आरओई देखें, और उससे भी जरूरी है कि आप अच्छा आरओई देख के खुश मत हो जाइए। ये देखिए कि कहीं ये आरओई इसलिए तो नहीं है कि कंपनी में डेट बहुत ज्यादा है, क्योंकि अच्छे टाइम पे ज्यादा डेट लेके जैसा हमने देखा कोई भी अपना आरओई इंप्रूव कर सकता है। तो अच्छी कंपनी वही है जो बिना डेट लिए या कम से कम डेट लेके भी बहुत अच्छा आरओई ला सके। अब अच्छा आरओई क्या होता है ये बहुत इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिपेंड करता है कि उस इंडस्ट्री में आरओई कितना चल रहा है, यूजुअली कंपनीज कितना आरओई निकाल पाती हैं। जैसे यहाँ हम देखें कि इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कंपनीज का एवरेज आरओई 20 के आसपास है, 20, 22, 14, तो ऐसे में 48 का आरओई बहुत अच्छा है। इन जनरल आप मान सकते हैं कि 20 से ऊपर का आरओई अच्छा है, लेकिन आपको इंडस्ट्री में यहाँ टिकर पे आप पीयर्स पे क्लिक करेंगे तो ये सेक्शन आ जाएगा, और आप चाहें तो सारे पीयर्स की लिस्ट भी इस बटन पे क्लिक करके ला सकते हैं और आरओई कंपेयर कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आरओई उतना ये कंपनी के लिए पॉजिटिव है। 20 से ऊपर ज़्यादातर इंडस्ट्रीज में होना चाहिए, ये बहुत अच्छी फिगर है। बैंक्स में, कुछ हैवी इंडस्ट्रीज में ये लाना मुश्किल होता है, लेकिन ज़्यादातर इंडस्ट्रीज में इतना आरओई आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए। और इसी तरह अगर आप साल भर तक मेरी और मेरी टीम के साथ इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हैं, टेक्स्ट लेसन्स हो, वीडियोस हो, डाउनलोड्स हो, एक्सेल शीट्स हो, रिसर्च रिपोर्ट्स हो, हर तरीके से, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं अकेडमी ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग के कोर्स को, जो अब इंग्लिश और साथ ही साथ हिंदी दोनों ही भाषाओं में अवेलेबल है, और आप अपनी पसंद की भाषा में इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा इस लॉकडाउन के समय में आप अपने टाइम का अच्छा उपयोग कर सकते हैं फिनोलॉजी पे आके, और ये वैरायटी ऑफ कोर्सेज में जो आपको पसंद आए उसे चूज़ करिए और अपनी नॉलेज बढ़ाइए। पेड के साथ साथ फ्री कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, और अगर कोई भी आपको डाउट है तो कमेंट कर दीजिए, मैं और मेरी टीम आपके डाउट्स का हल ज़रूर आपको देंगे। मैं लाता रहूँगा हर रोज़ इसी तरह के वीडियोस। तब तक के लिए दिस इज़ प्रांजल कामरा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।